नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा में एक 16 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद दो पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद पूरे शहर में डर का माहौल है, और जैसे ही लोगों को जानकारी लगी कि स्थानीय बरेठ रोड पर सुधा हॉस्पिटल के पास मकान में 16 वर्षीय युवक की जघन्य हत्या कर दी गई है, तो मकान के आसपास भीड़ लग गई। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि आशीष अहिरवार 16 वर्ष निवासी बाग रोदा अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था, और सुबह जब मकान मालिक को कमरे में जोर जोर से देवी देवताओं के नाम लेने की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने गेट बजाने की कोशिश की। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने बाहर से गेट बंद करके पुलिस को सूचना दी, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का गेट खोला गया और वहां पर आशीष अहिरवार का बुरी तरह से जघन्य हत्या किया हुआ शव बरामद हुआ। उसके कई अंग कटे फटे थे, गर्दन कटी हुई थी। कमरे के अंदर से पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके साथ दो अबोध बच्चियां भी थीं। पुलिस ने कमरे से देवेंद्र अहिरवार और उनकी पत्नी किरण को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया अवैध संबंध और तंत्र विद्या का मामला नजर आ रहा है। वहीं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी बीरेंद्र झा ने बताया है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही इस हत्या का खुलासा कर लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विदिशा से हमारी रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आपको कब जानकारी मिली? हम लोग छत पे बैठे थे तो उन लोगों की आवाज आ रही थी, जिसकी जैसे किसी को देवता वगैरह आ रहे हैं। दोनों जन चिल्ला रहे थे, एक माता जी हैं, मैं, वो बोलने लगा कि मैं भगवान हूँ, तो आपस में चिल्ला रहे। तो हमने सोचा लड़ रहे होंगे, तो हमने गेट बजाया उनके, तो वो गेट भी नहीं खोले उन लोगों ने। तो हमने 100 डायल भी किया, मगर उठाया नहीं है फ़ोन उन लोगों, पता नहीं क्यों। तो फिर हमने लड़के को भेजा कि हाँ, वो अजीब सी आवाज़ें आ रही थी चिल्ला चोट की। तो हम लोग तो डर गए, हम लोग कोई घर पर कोई भी नहीं था, हम लोग बच्चे और हम थे बस। तो पुलिस को बुलाया तो पुलिस आ गई। तो ये कब से रह रहे थे यहाँ पर? अभी एक ही तारीख को शिफ्ट हुई, अभी उनका पूरा सामान भी नहीं है ना जमा हुआ। तो कौन कौन रहते थे? पति पत्नी और दो बच्ची हैं उनके। आपका क्या नाम? मनीषा। पुलिस को मकान मालिक के माध्यम से सूचना मिली कि ऊपर कुछ चिल्ला चोट की आवाज आ रही है उनके ऊपर वाले कमरे में, जहाँ पे किराएदार को उन्होंने रखा हुआ था। मौके पे पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर देखा गया तो एक व्यक्ति की लाश थी, पड़ी हुई थी, और जो एक महिला एवं पुरुष जिन्होंने उसकी हत्या की थी उनको मौके से पकड़कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है एवं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उम्र कितनी होगी लगभग? जो मृतक है करीब 15-16 साल का युवक है और आरोपियों के दूर का रिश्तेदार लगता है। क्या मामला समझ में आया? अभी प्रथम दृष्टया तो पारिवारिक कुछ मामला रहा होगा इनका, जिसके कारण कि इसकी हत्या की है। अन्य बिंदुओं पर और पुलिस जानकारी ले रही है और उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। क्या हत्या में दोनों? देखो, बसौदा के बरेठ रोड पे गली नंबर 1 पे सूचना आई थी पुलिस को कि कुछ लोग कमरे में बंद हैं और कोई संदिग्धजनक एक्टिविटी चल रही है वहाँ पर। उसके बेसिस पे पुलिस गई और वहाँ पर उन्होंने पाया कि आशीष करके एक लड़का 15 साल का, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली है, और उसी के साथ उसी कमरे में बंद दो उसके रिश्तेदार देवेंद्र और उनकी वाइफ किरण दोनों मिले हैं। क्योंकि कमरे में बंद थे तो प्रथम दृष्टया पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। साथ में एक हासिया भी मिला है जो हम मान रहे हैं जिसकी वजह से मर्डर हुआ हो, और लड़के की डेथ मतलब उसके ऊपर कटिंग करने की वजह से हुई थी। तो इस तरह से आरोपी और हथियार दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जब्ती हो चुकी है। अभी पुलिस इस प्रयास में है कि जानने का प्रयास करे कि किस कारण से इस घटना को घटित किया गया, विशेषतः यह देखते हुए कि जो मृतक है वो और आरोपी रिश्ते में भाई लगते हैं। इसको देखते हुए और प्रयास जारी है कि किस कारण से घटना घटित हुई, इससे पुलिस खुलासा कर सके। बाकी गिरफ्तारी पूर्ण हो चुकी है। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।